हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि अब बकरीद आने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले मीठी ईद गई थी, एक महीने पहले, बस उसके ही एक महीने के गैप के बाद में बकरीद भी आ जाती है और फिर दोबारा से शॉपिंग और ख़रीदारी करना शुरू हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो मतलब आप कभी भी कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो या फिर फेस्टिवल हो, तो जब तक कि वो डेट ना आ जाए तब तक कि सारी खरीदारियां और शॉपिंग चलती ही रहती है। और ख़ासकर उस घर में जहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बस कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है एंड टाइम तक। तो मैं यहाँ पर कुछ कुर्ते देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे यहाँ पर, लेकिन ये थोड़े से शॉर्ट थे तो मैंने ख़रीदे नहीं, क्योंकि मुझे लॉन्ग कुर्ते चाहिए थे। और यहाँ पर देखिए, और भी ड्रेसेज हैं बच्चों की भी। तो ये जो मार्केट है मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही मार्केट लगती है। मैंने आपको यहाँ का व्लॉग पहले भी दिखाया हुआ था, लेकिन ये मंगल बाज़ार है, शायद मैंने यहाँ का आपको पूरा व्लॉग नहीं दिखाया था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस मार्केट में। तो और जो रेट होते हैं, प्राइस होते हैं, वो भी रीजनेबल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। मतलब आप यहाँ से कोई भी छोटा मोटा सामान ले सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ये फ़ैन है बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। यहाँ पे आप घर के यूज़ का डेली यूज़ का सामान ले सकते हैं। स्लीपर है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जो है स्लीपर थी, सैंडलें थी, तो आप इन्हें ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। रेट भी इनके ठीक ठाक ही थे, 200 रुपीज़ में आप यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद की स्लीपर ले सकते हैं। तो थोड़ी सी पार्टी वेयर भी थी यहाँ पर, डेली यूज़ के लिए भी थी, तो मैंने भी देखी, लेकिन मुझे पसंद भी आई थी एक दो स्लीपर, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। और यहाँ पे थे प्लाजो, तो वाइट कलर के प्लाजो थे, आप कोई भी ड्रेस ले लीजिए जिसमें मतलब वाइट प्लाजो लग जाए वो आप ले सकते हैं। और देखिए 100 रुपीज़ में यहाँ पे नाइट के लोअर मिल रहे थे, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गन्ने का रस मिल रहा है, ताकि अगर आप थक जाए तो गन्ने का रस पी सकते हैं। और स्कूल बैग वगैरह भी थे यहाँ। और अब देखिए यहाँ पर चूड़ियों का स्टोर लगा हुआ था, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में काफ़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मिल रही थी। तो जो भी आपकी ड्रेस से मैच करता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मंगल बाज़ार मार्केट है ये, लक्ष्मी नगर में ही लगती है हर ट्यूसडे को, तो काफ़ी किफ़ायती रेट में आप यहाँ से कोई भी सामान ले सकते हैं। ये पायल, ये 20 रुपए। और देखिए थोड़ी आगे चलते हैं ना, मुझे 150 रुपीज़ में भी सैंडलें देखिए, तो यहाँ पे स्लीपर्स थी। और देखिए ये सैंडल है, यहाँ पे व्हील भी नहीं थी, तो काफ़ी सही थी यहाँ पर, तो अच्छी भी लग रही थी। तो साइज़ काफ़ी बड़े भी थे, छोटे भी थे, तो वो आप देख सकते हैं, जैसे भी आपका साइज़ हो वो आप ले सकते हैं। और इधर बच्चों के लिए वॉचेज़ और गॉगल्स मिल रहे थे, तो बच्चे भी अगर आते हैं मार्केट अपने पेरेंट्स के साथ में, तो बच्चे को पसंद आ जाती हैं चीज़ें, तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। क्यूट क्यूट थी, अच्छी लग रही थी। और इधर देखिए यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज भी थे, कि आप जैसे बच्चे हैं उनके लिए आप क्लिप वगैरह ले सकते हैं, तो काफ़ी क्यूट क्यूट थे इधर भी। और आगे चल के देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए ड्रेसेस थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, मुझे पसंद तो आई थी, लेकिन ये अमायरा की आती नहीं तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और बाकी मैंने तो ड्रेसेस वगैरह ले ली है अमायरा की, तो वो मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया उसके पास, तो जब भी मार्केट आती हूँ एक ना एक उसके लिए लेकर ही जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैंने ले लिया है, डेली उसके लिए लिया है। बाकी तो देखिए इतनी अंदर आने का एक मकसद मेरा ये भी था कि मुझे यहाँ पर अमायरा के लिए कुछ सामान लेना था स्टेशनरी का, तो यहाँ पे कलर्स थे, इरेजर थी और ये क्ले वगैरह थी, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था, वो मैंने यहाँ से लिया अमायरा के लिए। और यहाँ पे देखिए कुर्ते लगे हुए थे, तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो देखिए मार्केटों में ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, खासकर जो कि लोकल मार्केट लगती है ना, जैसे ट्यूसडे बाज़ार हो गया, संडे बाज़ार हो गया, उनमें कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे फल फ्रूट से लेके कपड़े लगते,
सारी चीज़ें मिल जाती हैं, घर के यूज़ का सामान मिल जाता है। ठीक है, तो फिर आप कभी भी मौका लगे अगर लक्ष्मी नगर आए तो आप इस मार्केट में एक बार ज़रूर घूमिएगा। सारी ज़रूरतों का सामान आपको किफ़ायती रेटों में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब घर से जो सोच कर आएंगे वो तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा, आप बाकी का एक्स्ट्रा सामान यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे। बाकी देखिए लक्ष्मी नगर की जो ये मार्केट है ये तो रेगुलर ही लगती है, आप कभी भी आके यहाँ से कोई भी सामान लेके जा सकते हैं। काफ़ी ड्रेसेस वगैरह ज़्यादा मिलेंगी आपको। और बाकी ये जो मार्केट है ये ट्यूजडे मार्केट है, मंगल वाले दिन ही लगती है, तो यहाँ पर आप जब भी अगर आपको लोकल सामान लेना है तो आप मंगल बाज़ार में आके लेके जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा यहाँ पर भी आपको। तो इस तरीके से मैंने आज की ये थोड़ी सी शॉपिंग पूरी करी। तो देखिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मार्केट में जो भी ज़रूरत का सामान था वो फटाफट से लेकर अब मैंने रिक्शा कर लिया है और अब हम घर की तरफ बढ़ गए हैं आगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कैसा लगा मेरा मजाक।